सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाणस हे तवे श्रीमद्भागवती श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण वासितम कीरेण सुखेन वासितम। कल काल के लोगों के कल्याण के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने ये सुंदर फल हमको प्राप्त कराया है। कौन सा सुंदर फल है ये? निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारद जी को जब कहा कि भागवत सुनाओ तो नारद जी बोले सनकादिक ऋषियों से, महाराज आप भी कमाल करते हो, मैं वेद सुना के आ गया, मैं गीता का पाठ सुना के आ गया, जब उनसे उनका कल्याण नहीं हुआ तो भागवत से कल्याण हो जाएगा? तो बताइए, आम के पेड़ में वो स्वाद है क्या? जड़ में कभी जड़ खाइए, जड़ खाए आम की, पत्ते खाए, क्या आम के पत्तों में वो स्वाद होगा? क्या आम के वृक्ष की जड़ में वो स्वाद होगा? जो स्वाद आम में है और आम में भी आम के रस में है, वो स्वाद भला उस वृक्ष में कैसे होगा? तो मेरे प्यारे, कहने का अभिप्राय यह है, मेरा मीनिंग यह है, निगम कल्प तरोरि गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और जैसे आम के रस को आप बार बार कहते हो कि गर्मी आ गई, मैंगो शेक मैंगो शेक मैंगो शेक है, बार बार पीते हो, दिन में दो बार भी पीते हो, वैसे ही उसी निष्ठा के साथ या उससे भी दस गुना निष्ठा के साथ जब भी अवसर मिले भगवान की कथा सुनते रहो सुनते रहो। जितनी बार भी आप ये कथा सुनोगे, मुहुर और रसिका भवि भावुका, ये आपका कल्याण ही करने वाली है। बोलो राधे राधे।